video series will be solution of examination of planning assistant of DDA 2022 जिसमें 80 क्वेश्चन आए थे रिलेटेड टू प्लानिंग एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन ऑफ अदर स्टेट्स विच आर रिलेटेड टू प्लानिंग स्ट्रीम्स और यूजली अदर स्टेट्स में 3 एग्जाम से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए जाते हैं फर्स्ट इज गेट देन CPWD जो UPSC कराता है देन थर्ड नंबर पे जो मेट्रो सिटीज हैं लाइक DDA एंड अदर स्टेट लेवल के एग्जाम से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए जाते हैं सो इसमें 80 क्वेश्चन हैं लेट्स सॉल्व दिस सीरीज सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द पैसेंजर कार यूनिट PCU फॉर अ ट्रक हैज एन इक्विवेलेंस फैक्टर ऑफ ऑप्शन आर 6, 3, 4 एंड 8 सो पैसेंजर कार यूनिट PCU को कन्फ्यूज नहीं होना है ECS से इक्विवेलेंट कार स्पेस PCU इज डिफरेंट थिंग ये हमने पहले भी गेट में पढ़ रखा है PCU इज पैसेंजर कार यूनिट एंड इट इज रिलेटेड टू ट्रैफिक डिस्टर्बेंस और इक्विवेलेंट कार स्पेस रिलेट करते हैं हमारा पार्किंग स्पेस से ठीक है तो दोनों अलग अलग है सो पैसेंजर कार यूनिट PCU की वैल्यू जो होती है ये या जो भी इनका फैक्टर होता है वो यूटिलाइज किया जाता है फाइंड आउट ट्रैफिक डिस्टर्बेंस ट्रैफिक जैम ट्रैफिक डेंसिटी वॉल्यूम इन सब चीज़ों में यूज़ की जाती है पहले भी पढ़ा है हमने पैसेंजर कार यूनिट में हम एक कार को कंसीडर करते हैं एज अ सिंगल यूनिट मींस एक कार की वैल्यू हो गई 1 उसका इक्विवेलेंट फैक्टर हो गया 1 एक कार जो इफेक्ट डालती होगी मान लो एक्स इफेक्ट डालते हो ट्रैफिक जैम पे इन सब चीज़ों पे उसको हमने 1 नाम दे दिया तो स्कूटर मोटरसाइकिल या टू व्हीलर्स कितना इफेक्ट डालेंगे वो उसका आधा इफेक्ट डालेंगे 0.5 जितना कार इफेक्ट जाम कर लगाती है स्कूटर और टू व्हीलर उतना कम जाम लगाएंगे बस ट्रक कॉजेस अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द ट्रैफिक बिकॉज ऑफ देयर बिग साइज तो बस और ट्रक के लिए जो इक्विवेलेंट फैक्टर है फॉर द PCU वो हो जाता है हमारा 3 times एज कार तो जितना कार डिस्टर्ब करती उससे 3 गुना बस और ट्रक डिस्टर्ब करते हैं देन उसके बाद ऐसे हमने बहुत सारे पढ़े हैं साइकिल के लिए जो फैक्टर है दैट इज 0.2 बुलोक कार्ट के लिए फैक्टर है 6 क्यों इतना ज़्यादा है जबकि ये तो बस और ट्रक से छोटे भी होते हैं बिकॉज ऑफ स्पीड क्योंकि स्पीड इतनी कम होती है कि ये ट्रैफिक जैम को मतलब ये वैसे खुद ही ट्रैफिक जैम कर देते हैं तो ये पूरा कंसेप्ट हमने गेट में पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे सीधा क्वेश्चन पे आते हैं द पैसेंजर कार यूनिट फॉर अ ट्रक हैज एन इक्विवेलेंस फैक्टर विल बी अभी हमने पढ़ा कि ट्रक के लिए इक्विवेलेंस फैक्टर 3 होगा सो फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट कि 3 इज द इक्विवेलेंस फैक्टर फॉर पैसेंजर कार यूनिट फॉर ट्रक नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 जिब्रेट्स वर फाउंड इन जिब्रेट्स हमने हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर वाली वीडियोस में पढ़े थे जिसमें मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर में हमने पढ़ी हिस्ट्री की येलो वाली वीडियोस में हमने एक टर्म पढ़ी थी दैट इज सब आप हमारी जो आर्किटेक्चर की हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर से हमने पढ़नी स्टार्ट की थी और उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी सब आप यानी कि सब कुछ आप क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट हमारे यहाँ से हो रही है और इससे हमने क्या क्या याद करे थे ऐसे याद आएगा सुमेरियन पीरियड उस वक्त इनको लाइन वाइज याद करना इंपॉर्टेंट होता था देन बी से आएगा बेबीलोन देन ए से आएगा असायरियन पीरियड देन पी से आएगा पर्शियन पीरियड तो ये चारों जो पीरियड थे लाइन वाइज याद करने थे मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर में आते हैं ये तो उन वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कि जो जिगरेट्स हैं वो इन तीनों पीरियड्स में पाए जाते हैं सुमेरियन बेबीलोनियन असायरियन इन तीनों में जिगरेट्स मिलते हैं सो क्वेश्चन 2 पे आते हैं जिगरेट्स वर फाउंड इन इजिप्शियन ग्रीक बाइजेंटाइन एंड सुमेरियन सो सेकंड ऑप्शन 4th इज करेक्ट कि सुमेरियन सिटीज़ में जिगरेट्स पाए जाते हैं सिटी ऑफ यूर में भी मिलते हैं सो हिस्ट्री की वीडियोस में बाकी डिटेल में वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इज रेन आउट इज अ नेचुरल एटमॉस्फेरिक क्लींसिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग रेन आउट कोई प्रोसेस है जो कि नेचुरल एटमॉस्फेरिक क्लींसिंग प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स एड्सॉर्प्शन प्रेसिपिटेशन स्कैवेंजिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन सो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज रेन आउट बेसिकली रेन आउट इज अ प्रोसेस इन विच रेन प्रेसिपिटेशन स्नो एक्चुअली डज नॉट रीच टू द ग्राउंड कि वो ग्राउंड पे पहुंच नहीं पाते इसलिए इसका नाम है रेन आउट कि रेन खत्म हो गई है और ये बिकॉज ऑफ एनी रीजन हो सकता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर या ड्राइनेस बहुत ज़्यादा एयर में तो रेन जो है वो ग्राउंड पे पहुंच नहीं पाती दिस इज नोन एज रेन आउट लेकिन जब इसको हम
रिलेट करते हैं एटमॉस्फेरिक क्लींसिंग प्रोसेस में, क्लींसिंग प्रोसेस में, तब इसकी डेफिनेशन अलग हो जाती है, तब इसकी डेफिनेशन वही नॉर्मली हो जाती है कि दैट रिमूव द पोल्यूटेंट्स, मतलब ये जो रेन, प्रेसिपिटेशन, स्नो है, दिस हेल्प्स इन रिमूविंग ऑफ द पोल्यूटेंट्स पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर एंड देन वॉशिंग देम टू द ग्राउंड, और उनको फिर ग्राउंड पर लेके आ जाते हैं. सो बेसिकली प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन क्लींसिंग ऑफ द एयर और इन इन प्योरीफाइंग द एयर. सिंपल सा होता है कि मान लीजिए ये एटमोसफेयर और इसमें आपके पार्टिकल्स हैं, और जब वाटर ड्रोपलेट आती है तो ये अपने साथ साथ इन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है और ये यहाँ पे ग्राउंड पे ले आके ग्राउंड पे सेटल डाउन कर देती है. तो हमारी एयर जो है दैट बिकम्स मोर प्योरीफाई. तो दैट इज नोन एज रेनआउट, विच इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग और प्योरीफाइंग द एयर बाय रिमूविंग द पोल्यूटेंट्स पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर. सो इस रेन आउट प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस इन चारों में से इन्वॉल्व होता है? सो फर्स्ट इज एड्सॉर्प्शन. हमने पढ़ा था एक होता है एड्सॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन. दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एड्सॉर्प्शन होता है व्हेन द समथिंग गेट स्टिक टू द बॉडी, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? गेट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक बॉडी है, दो डिफरेंट बॉडी है. एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होगा? कुछ भी पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर आके चिपक जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे इसकी बॉडी पे किसी भी रीजन से. मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, या कोई भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन समथिंग समथिंग, ये इस पे जाके स्टिक कर जाएंगे. और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि ये पार्टिकल्स इसके अंदर आएंगे और एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब इसके अंदर चले जाएंगे. सो इंसर्ट इन द बॉडी एंड गेट स्टिक ओवर द बॉडी, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. इसकी हमने पढ़ी थी जैसे सिलिका जेल होती है हमारी, जो हमारे कपड़ों में भी लगी होती है, और कई वॉशिंग मशीन और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं उसमें पहले से एक पाउच होता है जिसमें सिलिका जेल लिखा होता है. उस पर उसका भी यही फंदा है कि जितने भी आसपास वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पे जाके स्टिक कर जाएंगे, इसके अंदर नहीं चले जाएंगे, इसके इस पे जाके स्टिक कर जाते हैं ताकि वो वाटर मॉइस्चर्स कोरिजन ना फैला सके मेटेलिक बॉडी पे. तो दैट इज नोन एज एड्सॉर्प्शन. सो जो यहाँ पे जो ये पानी है ये इनको एड्सॉर्ब नहीं कर रहा, मतलब इसके ऊपर नहीं चिपकेंगे, ये अपने साथ के अंदर चले जाते हैं जो भी गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, और फिर अपने साथ बाहर के नीचे ले आता है ये. सो फर्स्ट ऑप्शन एड्सॉर्प्शन गलत हो जाता है. सेकेंड इज प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन आपको पता है दैट इज रेनिंग स्नो, तो रेन आउट में प्रेसिपिटेशन तो होता ही है, ये पॉसिबल हो सकता है हमारा आंसर. थर्ड इज स्कैवेंजिंग. स्कैवेंजिंग जो वर्ड है हमारा वो बना है स्कैवेंजर से, और स्कैवेंजर्स एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स दैट कंज्यूम डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स या डेड ऑर्गेनिजम्स, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, दो जानवर हैं स्कैवेंजर्स, लाइक वल्चर्स हो गए हमारे, गिद्ध जिनको कहते हैं, देन भेड़िए, ये सब क्या होते हैं? ये मरे हुए जानवर को खाते हैं. क्रोकोडाइल भी मरा हुआ जानवर खा लेता है, बट जो जैसे टाइगर, लोयन, ये सब कुछ होते हैं ये मरे हुए को नहीं करते. जो शेर होता है वो अपने शिकार खुद करता है, मतलब बाकी जानवर. स्कैवेंजर्स में आते हैं काफ़ी सारे एनिमल्स लाइक वल्चर्स, भेड़िए, क्रोकोडाइल्स, ये मरे हुए जानवर को खाते हैं. सो स्कैवेंजर्स ये हो गए, और इसी से बना है स्कैवेंजिंग टर्म, मतलब रिमूविंग ऑफ द बैड एलिमेंट्स या बैड ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द अर्थ, तो उसको कहते हैं स्कैवेंजिंग. तो ये स्कैवेंजिंग का रिलेशन नहीं जाता है आपका रेन आउट के साथ, स्कैवेंजिंग का रिलेशन भी जाता है कि स्कैवेंजिंग में ये भी आता है कि अगर वो एयर को भी प्योरीफाई करें, मतलब बाय डिलीटिंग डैम, बाय ईटिंग डैम, तो भी वो स्कैवेंजिंग भी एक टाइप का प्रोसेस है क्लीनिंग ऑफ एयर. बट यहाँ पे स्कैवेंजिंग रेन आउट के प्रोसेस से रिलेट नहीं करता है. हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक क्लींसिंग प्रोसेस में हमारा रेन आउट भी आ सकता है, देन सेकंड इज स्कैवेंजिंग भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन स्कैवेंजिंग रेन आउट में नहीं आएगा. सो आवर ऑप्शन थर्ड इज आल्सो गलत. और ह्यूमिडिफिकेशन तो आपको पता ही है, तो ह्यूमिडिफाई ह्यूमिडिटी होती है. ह्यूमिडिटी में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल साइज के होते हैं, वो इनको कैप्चर करके नीचे नहीं ला सकते, जबकि बारिश में क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा प्रेशर के साथ और इतने ज़्यादा वाटर बड़े मॉलिक्यूल्स के साथ आ रही होती है कि वो अपने साथ बाहर के नीचे ला सकते हैं. ह्यूमिडिटी तो खुद एक वाटर मॉलिक्यूल से एक वेपर की तरह होती है जो बस फील होती है हमें, नमी नमी जब हमारी स्किन पे चिपक जाती है तब वो पानी बनने लगता है, ठीक है. तो ह्यूमिडिफिकेशन भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता. सो थर्ड का ऑप्शन प्रेसिपिटेशन इज करेक्ट. सो प्रेसिपिटेशन ऑप्शन जाता है कि रेन आउट इन्वॉल्व्स द प्रेसिपिटेशन प्रोसेस विच हेल्प्स इन क्लींसिंग ऑफ द एयर, एंड जो ये प्रेसिपिटेशन की वजह से जो बारिश होती है, दैट बारिश, दैट रेन इज नोन एज एसिड रेन. आपने सुना भी होगा कि बचपन में दादी कहा करती थी कि पहली बारिश में, फर्स्ट बारिश में नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एसिड बारिश होती है, उसमें जो भी सल्फर डाइऑक्साइड, एसओ4s और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होती हैं वो पानी के साथ नीचे आ रही होती हैं, और इनका पीएच 4.5 के अराउंड चला जाता है. तो इस बारिश में, पहली बारिश में या दूसरी बारिश में नहाना भी नहीं चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए. ये NO3 है, N2O इज लाफिंग गैस, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड. लाफिंग गैस को NO3 से कन्फ्यूज नहीं होना. सो दैट इज एसिड रेन. इसका आंसर हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 3 का. रेन आउट का आंसर इज प्रेसिपिटेशन.
नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सेप्ट फॉर डैश ऑल बिल्डिंग्स ऑफिसेज रिटेल मॉल्स इंस्टीट्यूशंस होटल हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज रेजिडेंसीज एंड मल्टीफैमिली हाई राइज बिल्डिंग्स इन द प्री डिज़ाइन डिजाइन स्टेज आर एलिजिबल फॉर प्री सर्टिफिकेशन अंडर गृह। सो गृह में प्री सर्टिफिकेशन में जो स्टेजेस हैं, जो प्री डिज़ाइन और डिज़ाइन की जो स्टेज है, उसमें ऑल बिल्डिंग्स में से कौन सी बिल्डिंग है जो एक्सेप्शन में आती है, जो एलिजिबल नहीं है? ऑफिसेज रिटेल मॉल्स इंस्टीट्यूशन होटल हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज रेजिडेंसीज मल्टी फैमिली हाई राइज बिल्डिंग्स, ये सब एलिजिबल हैं, बट कौन सी बिल्डिंग है जो एलिजिबल नहीं है? सो ऑप्शंस वी हैव कॉन्डोमिनियम्स फैसिलिटी डिज़ाइन टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। सो हमने टर्म पढ़ी थी, दैट इज गृह, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। सो दिस इज गृह, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। एंड सो वट इज प्री सर्टिफिकेशन? गृह में प्री सर्टिफिकेशन क्या है कि बिफोर बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, कि अभी उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है, बिफोर बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड। प्री सर्टिफिकेशन में क्या होता है कि इवेल्युएटिंग ऑफ द बिल्डिंग डिजाइन, उस जो डिजाइन आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया होता है उसके बेस पर सिर्फ इवेल्युएशन निकाली जाती है और रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। प्री सर्टिफिकेशन का कंसेप्ट बेसिकली आया किस लिए था? सपोज एक आर्किटेक्ट ने एक बिल्डिंग डिजाइन की और उसमें गृह को ध्यान में रखते हुए उसने बिल्डिंग डिजाइन की एंड उसी हिसाब से उसने एलिमेंट्स बताए कि यही एलिमेंट्स लगेंगे तो बिल्डिंग ग्रीन रेटिंग में जाएगी, बट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ओनर ने नहीं करवाया, तो जब ओनर ने वो सारे मटेरियल्स वो स्पेसिफिकेशंस नहीं लगाए तो आर्किटेक्ट का डिज़ाइन वेस्ट चला गया, क्योंकि वो गृह में फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसलिए प्री सर्टिफिकेशन गृह में निकाला गया है कि वाइल डिजाइनिंग और बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड आप अपनी बिल्डिंग्स के जो भी ड्राइंग्स हैं या जो भी स्पेसिफिकेशंस उसमें लगाने वाले हैं वो शेयर कर सकते हैं, गृह उसके बेस पर भी आपको रेटिंग्स प्रोवाइड करेगी। तो इसमें वही सेम गृह वाला एक सारे कंसेप्ट है, वही सारे 100 points हैं, सेम क्राइटेरिया हैं एंड सेम कि आपकी बिल्डिंग जो है वो 2500 square meters से बड़ी होनी चाहिए। सो अगर आपका एक घर है 250 गज की कोठी है तो उस पर 10 floors होने चाहिए, तब जाके वो बिल्डिंग उसमें इंक्लूड की जाएगी गृह में। और इसमें आपकी बेसमेंट और पार्किंग इंक्लूड नहीं होती है, बेसमेंट एंड पार्किंग वॉन्ट इंक्लूडेड इन दिस एरिया 2500 square meters में। गृह जो हमारी किन किन बिल्डिंग्स पे अप्लाई होता है, दैट इज सेम वही जो इन्होंने क्वेश्चंस में दे रखे हैं, ऑफिसेस रिटेल शॉप इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग्स होटल हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज रेजिडेंसीज एंड हाई राइज बिल्डिंग्स, इन सब पे गृह एप्लीकेबल होता है। और सेम एप्लीकेशन प्री सर्टिफिकेशन गृह में भी जाती है। सो ये सारी बिल्डिंग्स एलिजिबल है फॉर प्री डिज़ाइन और डिज़ाइन स्टेज क्राइटेरिया के लिए, बट एक्सेप्शनल फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हमारे ना तो गृह में इंक्लूड किए जाते हैं ना प्री सर्टिफिकेशन इन गृह में इंक्लूड किए जाते हैं फॉर द रेटिंग। तो आपकी बिल्डिंग 2500 square meters से बड़ी होनी चाहिए और वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में होनी चाहिए, तब आप इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन इज कॉन्डोमिनियम्स। कॉन्डोमिनियम्स क्या होता है कि एक रेजिडेंशियल एरिया में जब आप बिल्डिबल फ्लोर बना देते हो, हाउसिंग की बात नहीं हो रही, रेजिडेंशियल एरिया में, और उसमें हर अपार्टमेंट्स में उसमें 4 apartments डिवाइड किए और चारों की रजिस्ट्री अलग हो गई, तो ओनरशिप सबके पास अपनी अपनी है, तब उस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉन्डोमिनियम्स। शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है कॉन्डो। फैसिलिटी डिज़ाइन भी आप गृह में आ सकती है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस भी गृह में आ जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन इज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक्सेप्शन में आता है कि वो गृह में नहीं इंक्लूड किए जाएंगे, एंड 2500 square meters से अगर बिल्डिंग आपकी बड़ी है तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर आपकी बिल्डिंग 2500 square meters से छोटी है तब हम किसके लिए जा सकते हैं, ये भी गेट में क्वेश्चन आ चुका है, तब हम जा सकते हैं स्वगृह के लिए, स्मॉल वर्सेटाइल अफोर्डेबल गृह। सो स्मॉल वर्सेटाइल अफोर्डेबल और गृह, इनमें 2500 square meters अगर आपकी बिल्डिंग छोटी है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो स्वगृह के लिए। सो इसमें कौन कौन सी बिल्डिंग्स इंक्लूड की जाती हैं स्वगृह में? स्वगृह में इंक्लूड की जाती हैं, एक तो रेजिडेंस हो गए, इंडिविजुअल रेजिडेंस, ठीक है, मतलब आपका खुद का घर, देन स्मॉल ऑफिसेस, एरिया छोटा है तो स्मॉल ऑफिसेस, वही स्मॉल कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल, तो ये 4-5 बिल्डिंग्स स्वगृह में इंक्लूड की जाती हैं। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले गृह हो गया, देन उसमें हो गया प्री सर्टिफिकेशन, देन हो गया स्वगृह, देन उसमें भी सेम प्री सर्टिफिकेशन, देन आता है गृह फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग चल रही है इसलिए आपको पता होनी चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग वही वाली आएंगी जो PMAY के अंडर जितनी भी हाउसिंग आएगी
वो गृह फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग में कंसिडर की जाएंगी। ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस आपको मेन मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे गृह स्वगृह, गृह फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, गृह फॉर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उन पे अगर गृह अप्लाई करना है, उनके लिए रेटिंग लेनी है, तो उसके लिए अलग पोर्टल है, दैट इज गृह फॉर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, वो इसमें कंसिडर की जाएंगी। देन आता है गृह, और इसमें भी जो सारी बिल्डिंग्स हैं वो सारी वही बिल्डिंग्स हैं जो ये ऊपर क्वेश्चंस में लिखी हुई है ना, जो हमने अभी यहाँ पे सारी लिखी थी, वही सारी बिल्डिंग्स इसमें भी आएंगी। देन आता है गृह फॉर LD, LD मीन्स लार्ज डेवलपमेंट, तब यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप। देन गृह फॉर सिटीज, अगर आपको पूरी सिटी के लिए डिज़ाइन करते हुए गृह की रेटिंग लेनी है, तब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सेप्शन फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, बाकी सारी बिल्डिंग्स आपकी प्री डिज़ाइन स्टेज के लिए एलिजिबल हैं फॉर प्री सर्टिफिकेशन अंडर गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, बसेस विद फ्लोर हाइट ऑफ -mm, -mm एंड -mm आर वाइडली यूज इन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। सो अर्बन एरिया की बात हो रही है, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की इंडिया में। सो बसेस विद फ्लोर हाइट, तो उनकी क्या क्या फ्लोर हाइट फिक्स की गई है। फ्लोर हाइट वैसे क्या होती है, ये मान लीजिए बस का क्रॉस सेक्शन है, और यूजली यहाँ पे एक स्टेप्स होते हैं और यहाँ पे एक पीछे की तरफ से एंट्री होती है। सो जहाँ पे बंदों की ये वाली फ्लोर हाइट, जहाँ पे बंदों की सीट बैठे होते हैं, जहाँ पे रेस्ट कर रही होती है, दिस इज नोन एज फ्लोर हाइट। ये नहीं जहाँ से आपके स्टेप स्टार्ट हो रहे हैं, तो दैट इज फ्लोर हाइट। तो इंडिया में अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस की फ्लोर हाइट कितनी फिक्स की गई है। सो निपुण मल्होत्रा, हमने पहले भी बात कर रखी है, निपुण मल्होत्रा वर्सेस केस, जो केस चल रहा था वर्सेस स्टेट का केस, ठीक है, उन्होंने केस लड़ा था कि यूनिवर्सली एक्सेसिबल करो हर चीज़ को, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे वो अर्बन डिज़ाइन हो, हर चीज़ में यूनिवर्सली एक्सेसिबल के पॉइंट्स एप्लीकेबल होने चाहिए। सो ये केस जीत गए थे, तो उस बेस पर कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि बसेस को भी यूनिवर्सली एक्सेसिबल बनाने के लिए लो फ्लोर बसेस निकाली गई थी। सो MoUHD, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने जो अपनी अर्बन बस स्पेसिफिकेशंस की जो बुकलेट निकाली, उसमें AC बस हो या नॉन AC बस हो, उसमें उन्होंने सारे स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए कि AC बस हो या नॉन AC बस हो, जो मैक्सिमम फ्लोर हाइट जाएगी वो जाएगी आपकी 400, 650 एंड 900। यानी कि 400 में 250 प्लस किया तो 650, एंड 650 में 250 प्लस किया तो 900। 400 तो होगी हमारी लो फ्लोर बसेस, जिन जो दिल्ली में आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब दिल्ली में सारी इंटर स्टेट जितनी भी बसेस हैं, इंटरसिटी बसेस यूजली लो फ्लोर बसेस होती हैं, जो कि जिनकी हाई 400 से 650 की अराउंड होती है। देन जो इंटर स्टेट जाती हैं या जिन्हें पहाड़ों पर जाना होता है, उनकी हाई 900 के अराउंड रखी जाती है। इसी में ही उन्होंने कुछ और स्पेसिफिकेशंस भी निकाली थी कि जो एमिशंस होगी बसों की, वो BS3 या BS4 इससे ऊपर ही होनी चाहिए, या जो उस वक्त लेटेस्ट चल रहा होगा उतनी होनी चाहिए, इससे कम की बसेस अलाउ नहीं है अब। और जो फ्रंट डोर है आपका, फ्रंट डोर की जो विड्थ है वो 650 होनी चाहिए, 650 mm, एंड रियर डोर की जो विड्थ है वो 1000 mm होनी चाहिए। और ये बिल्कुल क्लियर विड्थ है, मैं पूरे उसकी शटर की विड्थ नहीं बता रहा हूँ, पूरी क्लियर स्पेस, इतना मिनिमम क्लियर स्पेस मिलना चाहिए। और जो डोर हाइट है वो उन्होंने रखी है 1900, यानी कि 6 फुट से थोड़ी सी ज़्यादा। एंड इसलिए आपने देखा होगा कि इंटरसिटी बसेस, दिल्ली की जितनी भी बसेस हैं, उसमें आगे तो एक ही डोर होता है लेकिन पीछे डबल डोर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा देना है 1000। सो लो फ्लोर बसेस बिकमिंग मोर पॉपुलर इन अर्बन एरियाज, ठीक है, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। सो बसेस विद फ्लोर हाइट ऑफ 900, इन दोनों में ऑप्शन है, 650, 250 तो बहुत कम हो जाएगा, 150 तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, 300 भी नहीं। सो मिनिमम आपकी 400 है, ठीक है, 1 फुट से ज़्यादा ही होनी चाहिए, 300 नहीं चलेगा, 1 फुट से ज़्यादा। देन 3 फुट, 3 फुट से ज़्यादा उसकी हाइट नहीं होनी चाहिए, और 1 फुट से कम उसकी हाइट नहीं होनी चाहिए। सो 900, 650 एंड 400, सो फिफ्थ का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, गोल गुंबज बीजापुर वाज बिल्ट बाय इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, मालिक सेंदल एंड सलीम चिश्ती। सो गोल गुंबज बीजापुर, हमने इसकी आर्किटेक्चर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, बीजापुर कर्नाटका। सो एज द नेम सजेस्टेड कि गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटका, इट शुड बी फेमस फॉर इट्स लार्ज डोम। और ये दिखता कैसे है, सो एज द नेम सजेस्टेड कि फेमस फॉर इट्स लार्ज डोम, वीडियोज में भी पढ़ा कि गोल गुंबज बीजापुर क्या था। नाउ जो क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग, इट्स अ बरियल चैम्बर, और जिसको मैसोलियम भी कहते हैं,
बरियल चैम्बर और मैसोलियम कंटेन अ टॉम्ब ऑफ, तो इसमें टॉम्ब किसकी है, टॉम्ब है हमारे मोहम्मद आदिल शाह की। सो अवर ऑप्शन सिक्स का सेकेंड इज करेक्ट कि मोहम्मद आदिल शाह की टॉम्ब है इसमें, तो बिल्ट बाय गोल गुम्बज बीजापुर बाय मोहम्मद आदिल शाह। और इसकी हमने जो आर्किटेक्चरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी दैट इज प्लान में सो ये दो स्क्वेयर हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन पे, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे जो पेंडेंटेटिव बन रहा है उसके ऊपर हमारा डोम रखा हुआ है ये। सो यहाँ पे डोम, दिस इज द डोम। सो इंटरसेक्शन ऑफ टू स्क्वेयर्स, ये पहले भी गेट में क्वेश्चन आ चुका है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू स्क्वेयर किस में, गोल गुम्बज बीजापुर में, एंड डोम रेस्ट ऑन अ सर्कुलर बेस, बेस सर्कुलर है बट नीचे जो है वो सपोर्टेड बाय इंटरलॉकिंग पेंडेंटेटिव्स है, इंटरलॉकिंग पेंडेंटिव्स, ठीक है, बेस सर्कुलर है बट नीचे ये जो इंटरलॉकिंग पेंडेंटिव्स है, एंड एट इंटरसेक्शन आर्चेस है इसमें, एक तो ये आर्च होगी ऐसे 1, 2, 3, 4 और ऐसे ग्रीन वाले की ये वाली आर्चेस, तो इंटरसेक्शन आर्चेस कितनी है 8। एंड इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम है ये, जिसका डायमीटर है 45 मीटर के अराउंड, स्तूपा जो है उसकी विड्थ 50 मीटर के अराउंड है बट वो स्तूपा है। तो लार्जेस्ट डोम की अगर बात करें तो 45 मीटर हमारा बीजापुर में ही है, इससे बड़ा डोम इंडिया में नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी इज करेक्ट, मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था और इन्हीं की इट्स बरियल चैम्बर फॉर हिम आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज प्राइस और सर्विस लेवल अफेक्ट्स द डिमांड फॉर द सर्विसेज इन अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में प्राइस और सर्विस लेवल इफेक्ट्स डालते हैं। द डिमांड कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, क्यू पी बी, वेयर क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर्स एंड पी इज इक्वल टू फेयर एंड बी इज वी हैव टू फाइंड आउट आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी। सो बी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, बी हो सकता है हमारा टोटल कॉस्ट, वॉल्यूम ऑफ व्हीकल, लेवल ऑफ सर्विस एंड विड्थ ऑफ रोड। सो वैसे तो ये तो सिंपल है, जब इन्होंने खुद ही बता दिया प्राइस एंड सर्विस लेवल्स ये दोनों चीज़ें जो इफेक्ट डालते हैं किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, और उन्होंने कहा कि डिमांड कर्व जो रिप्रेजेंट करे पी बाई क्यू इज इक्वल टू पी एंड बी, क्यू इज इक्वल टू क्यू और बी, जिसमें क्यू हो गया वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर्स एंड पी हो गया हमारा फेयर। सो बी क्या हो सकता है, तो जब प्राइस हो गया फेयर तो एक बचा हमारा सर्विस लेवल, सो टोटल कॉस्ट, वॉल्यूम ऑफ व्हीकल, लेवल ऑफ सर्विस एंड विड्थ ऑफ रोड। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज करेक्ट, बी रिप्रेजेंट्स लेवल ऑफ सर्विस। लेवल ऑफ सर्विस बेसिकली रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक फ्लो, लेवल ऑफ LOS जो हमने पढ़ा था, लेवल ऑफ सर्विस से कि ट्रैफिक फ्लो की क्वालिटी कैसी है, कि किस टाइप का, कितना वॉल्यूम जा रहा है, किस डेंसिटी से जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, वहाँ जाम तो नहीं है, ये सब कुछ बताता है हमें लेवल ऑफ सर्विस के थ्रू पता लग। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं जिस पे एक साइड फेयर लिखा हो एंड दूसरी साइड लेवल ऑफ सर्विस, और अब हम ग्राफ बना रहे डिमांड कर्व का, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, ये ग्राफ हमने गेट 2023 में ही, सॉरी 22 में डिटेल में पढ़ रखा है, जिसमें हमने गिनी कोफिशियंट पढ़ा था, इनकम इनक्वालिटी वाले में हमने ये ग्राफ पूरी डिटेल में पढ़ा था, डिमांड एंड सप्लाई कर्व कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो सेम कर्व यहाँ भी अप्लाई होता है ट्रांसपोर्टेशन में, डिमांड एंड सप्लाई हर जगह है, तो वो सेम कर्व हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कि फेयर अगर इतना है और लेवल ऑफ सर्विस एक्स एक्सिस पे दे रखा है तो डिमांड कर्व कैसे बनेगा। सो डिमांड क्या होती है, लोग चाहते हैं कि कम फेयर पे लेवल ऑफ सर्विस अच्छी प्रोवाइड की जाए, अगर हमारा फेयर कम हो लेकिन लेवल ऑफ सर्विस अच्छी हो, तो यहाँ पे होगा आपका ये पॉइंट स्टार्ट, यहाँ से होगा कि कम फेयर पे लेवल ऑफ सर्विस अच्छी प्रोवाइड की जाए, और इसी के साथ अगर फेयर बढ़ जाए तो लेवल ऑफ सर्विस घटिया हो जाए तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारा कर्व ऐसे बन जाता है। तो ये बन गया हमारा डिमांड कर्व, दिस इज द डिमांड कर्व फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कि कम फेयर पे लोग चाहते हैं लेवल ऑफ सर्विस अच्छी प्रोवाइड की जाए। तो ये क्वेश्चन यहीं से उठ के आया है कि क्या वो अगर वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर्स है तो पी और बी क्या होंगे, पी और बी एक हो गया फेयर और एक हो गया लेवल ऑफ सर्विस, ठीक है, ये और दोनों के बीच में बना ये डिमांड कर्व, डिमांड कर्व फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और इसी का अगर हम सप्लाई कर्व भी हमने पढ़ा था, वो सप्लाई कर्व ऐसे जाएगा कि जो इंडस्ट्री या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी या कुछ भी जो सप्लाई देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जिस हिसाब की फेयर हो उस हिसाब का कम ही लेवल ऑफ सर्विस हो, और जैसे जैसे फेयर बढ़ता जाए लेवल ऑफ सर्विस भी तभी बढ़े, मतलब जैसे जैसे लेवल ऑफ सर्विस बढ़ती जाए तो फेयर भी उसी हिसाब से बढ़ता जाए, तो सप्लाई कर्व हमारा इस टाइप का बनता है। ये दोनों सेम कर्व हमने डिटेल में वहाँ पढ़े थे कि कैसे ये दोनों बनते हैं, और इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को क्या क्या कहते हैं, और इसमें एक क्वेश्चन भी आया था कि इस एरिया को क्या कहेंगे, देन इसके नीचे जो एरिया उसको क्या कहेंगे, सरप्लस वाले केस में सारे हमने पढ़े थे।
सो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की प्राइस और सर्विस हो गए, तो बी हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेवल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल मैकेनिज्म फॉर रिमूविंग पर्टिकुलेट्स फ्रॉम द एटमोसफेयर इन द केस ऑफ पार्टिकल साइज पार्टिकल विथ साइज लार्जर देन 20 माइक्रोमीटर। सो अगर पार्टिकल्स का साइज 20 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है तब कौन सा नेचुरल मैकेनिज्म काम में आएगा, रिमूविंग द पर्टिकुलेट्स फ्रॉम द एटमोसफेयर या प्योरिफाइंग द एयर। सेम सेम केस जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में अभी पढ़ा था। सो ऑप्शन वी हैव रेन आउट, फ्लोकुलेशन, एड्सॉर्प्शन एंड ग्रेविटेशनल सेटलिंग। सो अगर हम देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में रेन आउट इज अ नेचुरल प्रोसेस जो इन्वॉल्व करता है प्रेसिपिटेशन, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया अभी भी सेम उसके जैसा ही। इन्होंने पूछा नेचुरल नेचुरल मैकेनिज्म एटमोसफेयर में प्योरीफाई करने के लिए, बस एक क्राइटेरिया और क्या दिया है कि द साइज ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन 20 माइक्रोमीटर, और ऑप्शंस में है रेन आउट, फ्लोकुलेशन, एड्सॉर्प्शन, ग्रेविटेशनल सेटलिंग। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही चले जाते हैं। फ्लोकुलेशन हमने पढ़ा था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कि फ्लोकुलेशन एंड कोएगुलेशन होता है कि आफ्टर एडिंग कोएगुलेंट एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, जब हम पानी में कोएगुलेंट्स एल्यूमिनियम सल्फेट मिला देते हैं देन पार्टिकल गोट स्टिक टू इट, ये हमने मिला दिया और इस पर सारे पार्टिकल्स गोट स्टिक टू इट, पार्टिकल्स सारे इस पर जाके चिपक जाते हैं देन इट गोट हैवियर। सो बीकर में इट गोट हैवियर एंड देन ड्यू टू इट्स वेट इट गोट सेटल डाउन, तो ये नीचे आके सेटल हो जाता है सारे पार्टिकल्स के साथ, ये इस पर चिपक जाते हैं सारे पार्टिकल्स और ये नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है। तो दैट इज नोन एज कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। फोर्थ इज ग्रेविटेशनल सेटलिंग, ये तो सिंपल सेडिमेंटेशन हो गया, ये भी डिपेंड करता है वेट, अगर ज़्यादा है तो सेडिमेंटेशन पॉसिबल हो पाएगी अदरवाइज वो वाटर में फ्लो करते रहेंगे, अगर वेट ज़्यादा होगा सेम वही प्रोसेस वेट होने के बाद अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल सेटलिंग भी नहीं हो सकता और फ्लोकुलेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि 20 माइक्रोमीटर है, ज़्यादा बड़ा साइज भी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं रेन आउट एंड एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था और एड्सॉर्प्शन के लिए पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पार्टिकल साइज आपका एड्सॉर्ब बेड का क्या है, एड्सॉर्ब बेंट का क्या है, इन दोनों के पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। दोनों का साइज एक दूसरे के रिलेटिव होना चाहिए सो दैट पार्टिकल गेट स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द एड्सॉर्ब बेंट, तो एड्सॉर्ब बेड का जो पार्टिकल साइज है वो इससे थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि इस पर जाके स्टिक कर जाए और फिर सेटलिंग प्रोसेस हो सके। सो हमारे जो घरों में एयर प्योरीफायर्स जो अभी यूज़ हो रहे हैं या जो अभी मॉल और एसीज में लगे होते हैं एयर प्योरीफायर्स, तो दे कंटेन अ फिल्टर ऑफ एड्सॉर्बेंट, एक शीट होती है जिसमें एड्सॉर्बेंट मटेरियल लगा होता है, एड्सॉर्बेंट मटेरियल कौन सा होता है, एक्टिवेटेड कार्बन। ये जो शीट है वो इन दोनों मटेरियल की बनी होती है, एक्टिवेटेड कार्बन प्लस जियोलाइट्स, तो जब हवा इनमें इस शीट के थ्रू पास होती है तो दे एब्जॉर्ब द और रिमूव द VOCs कंपाउंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और गैसेस एंड ऑडर्स ऑफ गैसेस, इन सब चीज़ों को रिमूव कर देते हैं ये दोनों एक्टिवेटेड कार्बन एंड जियोलाइट्स। देन सेकेंड ऑप्शन जो हमारा बचता है रेन आउट, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था, रेन आउट प्लस प्रेसिपिटेशन। सो रेन आउट प्रेसिपिटेशन कैसे वर्क करता है, ये वर्क करता है हमारा एब्जॉर्प्शन पे। जब एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं शुगर का, शुगर का साइज होता है नॉर्मली 0.35 mm, जो शुगर का क्रिस्टल की साइज की हम बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल क्रिस्टल मिलते हैं हमें शुगर्स के वो 0.35 mm के साइज होता है इसका। जब ये पानी में हम डालते हैं ये क्रिस्टल और ये पानी में एब्जॉर्ब हो जाती है, और एब्जॉर्ब कब होगी, ये क्रिस्टल अपनी बायफर्गेट हो जाती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ये बायफर्गेट हो जाती है 10^-10 meters, ठीक है। तो डेकामीटर के अंदर इसके मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो जाते हैं, mm से डेकामीटर में ये डिवाइड हो जाते हैं इसके मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो शुगर के मॉलिक्यूल्स इनके बीच में जाके स्टिक हो जाते हैं, इनके बीच में जाके चले जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर इंसर्ट कर जाते हैं, मतलब पानी के अंदर इंसर्ट कर जाते हैं और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अपनी जगह बना लेते हैं। तभी जब भी हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो उसका लेवल वही का वही रहता है, उसका लेवल इंक्रीज नहीं हो जाता घुलने के बाद, इसलिए पानी का साइज वोंट इंक्रीज क्योंकि मॉलिक्यूल्स गेट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो पानी का साइज इंक्रीज नहीं होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये नहीं होता कि आपका कोई भी क्रिस्टल है वो हमने डाला और क्रिस्टल डालने के बाद पानी का साइज उतना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब ऐसे थोड़ा सा बढ़ गया वॉल्यूम,
तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, वो एड्सॉर्प्शन हुई कि पानी उसके ऊपर स्टिक कर गया एक टाइप से। सो जब एब्जॉर्प्शन ड्यू टू प्रेसिपिटेशन कब पॉसिबल हो पाता है, जब आपका पार्टिकल साइज नैनोमीटर में हो। नैनोमीटर क्या है, जब आप जो हमारे सर के बाल हैं उनका साइज होता है 70 नैनोमीटर के अराउंड, 70 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर से 70 नैनोमीटर के, मतलब नैनोमीटर में उसके हेयर का हमारा डायमीटर आता है, और ये भी ओपेक होते हैं, ये भी हमें दिखने लग जाते हैं। तो ये बात करें 20 माइक्रोमीटर की, यानी कि इससे भी बड़े पार्टिकल्स की, तो इसमें पॉसिबल सिर्फ हमारा एड्सॉर्प्शन हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, कि थ्रू एड्सॉर्प्शन जिन पार्टिकल का साइज 20 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है वो क्लीन कर पाएंगे हम, और वो क्लीन किसके थ्रू हो पाते हैं, वो क्लीन इसी के थ्रू हो पाते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन एंड जियोलाइट्स के थ्रू। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ सोर्स एल कैंडेला एमिट्स अ टोटल फ्लक्स ऑफ, सो ये 2 पाई है, 2 पाई एल, 6 पाई एल, 4 पाई एल एंड 8 पाई एल। तो ये हमने कई बार पढ़ रखा है कि कैंडेला इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, ये लाइट में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ रखा है कि कैसे ये 4 पाई एल। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, कि 4 पाई एल क्यों आया, क्योंकि अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल होता है, पर यूनिट सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है दैट इज स्टीरेडियन, स्टीरेडियंस होती है सॉलिड एंगल की यूनिट। हमने पढ़ा था कि पाई हो गया दिस इज 180 डिग्री, दिस इज पाई, 2 पाई हो गया 360 डिग्री, एंड 4 पाई क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री, और थ्री ये 360 डिग्री, एंड वन दिस इज 360 डिग्री, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 4 पाई। 9th का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, कि 4 पाई एल विल बी द आंसर। ये डिटेल में हमने पढ़ा है कैसे निकलता है, तो यहाँ पे हम स्टडी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th इज ब्लैक वाटर ग्रे वाटर एक्सेट्रा जनरेटेड फ्रॉम बिल्डिंग्स इज कैटेगराइज एज, सो ब्लैक वाटर एंड ग्रे वाटर को कैसे कैटेगराइज करेंगे जो बिल्डिंग से जनरेट हो रहा है, इनऑर्गेनिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, सीवेज, सलेज, केमिकल वेस्ट। तो ये तो जब उन्होंने ब्लैक वाटर ग्रे वाटर पूछे हैं तो ये सीवेज और स्लेवेज दो ऑप्शन इसी में दे रखे हैं। सो ब्लैक वाटर एंड ग्रे वाटर, डिटेल में जाने के लिए कुछ इसमें है नहीं। ब्लैक वाटर बेसिकली वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम टॉयलेट्स, तो इनको मतलब रीयूज़ करने के लिए एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट चाहिए होती है, नॉर्मली रीयूज़ नहीं कर सकते हम इसको एज़ कंपेरिजन टू ग्रे वाटर। एंड ग्रे वाटर इज द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम सिंक, शावर, किचन, एंड ग्रे वाटर मे बी ट्रीटेड एंड रीयूज्ड फॉर द नॉन पोर्टेबल यूजेज दैट इज इरीगेशन। तो ग्रे वाटर यूजली आजकल हर जगह जितनी भी नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, तो उसमें दो टाइप की पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं। मान लीजिए ये आपका घर है एंड दिस इज STP को यूजली वो रेड कलर से डोनेट करते हैं, इसको नाम दे दिया STP 1, एंड ऐसे रोड के अलोंग एक जाती है हमारी वाटर सप्लाई की पाइपलाइन जो कहीं और से आ रही होती है, ठीक है। ये वाटर सप्लाई की पाइपलाइन आपके घर में आई, देन ग्रीन कलर से इसको ब्लू कलर से दिखाते हैं, एंड देन ग्रीन कलर से दिखाते हैं हम इरीगेशन की लाइन जो STP में जाती है, सॉरी जो STP से निकलती है, जाती है आपकी ड्रेनेज से जिसको हम सॉइल वेस्ट के कलर से दिखाते हैं, एंड STP से वो निकलती है, तो वो इरीगेशन पर्पज़ के लिए या लैंडस्केपिंग के लिए इन जैसे चीज़ों के लिए वो यूज़ की जाती है, और उसको ग्रीन कलर से दिखाते हैं इरीगेशन लाइन, तो दैट इज़ नॉन पोर्टेबल यूज़। सो ब्लैक वाटर हमारा हो जाता है सीवेज, एंड सलेज होता है हमारा ग्रे वाटर। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रीवेलेंट रेटिंग ऑफ सस्टेनेबल बिल्डिंग इन UK इज डन यूजिंग, सो एक तो हमें ओल्डेस्ट बताना है एंड मोस्ट प्रीवेलेंट रेटिंग ऑफ सस्टेनेबल बिल्डिंग्स इन UK इज ब्रीम, ग्रीहा, एज एंड DGNB। सो इसका तो सिंपल सा आंसर है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ब्रीम, क्योंकि ग्रीहा इंडिया में यूज होती है, एंड एज एंड DGNB। सो पहले ये देख लेते हैं, एज हमारे गेट में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, एक्सीलेंस इन डिज़ाइन इन ग्रेटर एफिशिएंसी, एज की फुल फॉर्म आई थी पहले भी गेट में, एक्सीलेंस इन डिज़ाइन इन ग्रेटर एफिशिएंसी। तो बेसिकली ये अपने सॉफ्टवेयर और टूल्स प्रोवाइड करते हैं फॉर एस्टिमेशन, और ये हमारा जो IGBC है उन्होंने ये सॉफ्टवेयर निकाला है, एज, इंटरनेशनल ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। तो IGBC वालों ने ये एज दिया था, एंड नेक्स्ट इज DGNB। DGNB जो ग्रीन रेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो जर्मन में यूज़ होता है, सो ग्रीन सर्टिफिकेशन जर्मन में यूज़ होता है DGNB के नाम से, और DGNB की फुल फॉर्म है, DGNB की फुल फॉर्म है डैश
सेल्सोफर नाश्यो कुछ इस टाइप का ही है, ठीक है। ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है जर्मन लैंग्वेज में। सो जर्मन में यूज है डीजीएनबी। अब बच्चे हमारे ब्रीम एंड ग्रिया, ग्रिया आपका इंडिया में ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट और इंडिया में यूज होता है। देन ब्रीम, ब्रीम हमारा ओल्डेस्ट है, ये 1990 में आया था और यूके में आया था, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड ब्रीम की फुल फॉर्म क्या होती है, बिल्डिंग रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एनवायरमेंट असेसमेंट। तो इनमें असेसमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है, कई बार आपको अगर कन्फ्यूजन भी हो जाए कि जैसे कि उन्होंने कभी गेट में फुल फॉर्म आ गई ब्रीम की एंड उन्होंने बिल्डिंग रिसर्च ये देखे एनोलॉजी पैनोलॉजी या ए से कुछ और बना दिया, तो यूजली आप देखना लास्ट में असेसमेंट मिलेगा। जैसे हमारी गृह में भी लास्ट में असेसमेंट ही है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। देन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कुछ जो सम जो प्रोमिनेंट है वो हम देख लेते हैं, रेटिंग सिस्टम्स ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। लीड हमारी यूएसए में यूज़ होती है एंड लीड की फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरमेंट डिज़ाइन। यूएसए वाले हमेशा लीड में करते हैं लीडरशिप, तो लीड से आप याद रखना यूएसए। देन आता है हमारा ग्रीन स्टार एंड एक है ग्रीन मार्क। तो हमने इनको कैसे याद रखा था कि क्रिकेट में स्टार प्लेयर्स किसके हैं, ऑस्ट्रेलिया के, सो ग्रीन स्टार जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ। एंड ग्रीन मार्क यानी कि हमें ग्रीन सिग्नल कहाँ पे चाहिए होता है, सिंगापुर घूमने के लिए, जो आपके पासपोर्ट पे सिंगापुर जाने के लिए ग्रीन थप्पा लगवाना पड़ता है, तो सिंगापुर घूमने के लिए ग्रीन मार्क चाहिए, तो ग्रीन मार्क आपका सिंगापुर एंड स्टार प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के। देन होता है हमारा कैसबी। कैसबी के नाम से क्लियर है कि कैसबी जैपनीज, ये इस टाइप का नाम जैपनीज ही दे सकते हैं, कैसबी ली, तो कैसबी सर्टिफिकेशन जैपनीज में है, जैपनीज यूज करते हैं। देन सऊदी अरेबिया में कौन सा यूज होगा, सऊदी अरेबिया में सिर्फ पानी पानी है आसपास, तो वहां पर यूज होता है सागर, एस ए जी आर एस, इसकी फुल फॉर्म कुछ और है, बट आप ऐसे याद रख सकते हो कि सऊदी अरब में सारा पानी पानी है, पाम आइलैंड ये सब कुछ उससे वाटर से घिरा हुआ है, तो सागर इसलिए उन्होंने नाम दिया है, तो सागर से आप रिलेट कर सकते हो ऐसे जी आर एस सऊदी अरेबिया। देन होंगकोंग, होंगकोंग होंगकोंग में यूज़ होता है बीम प्लस, जैसे आपने इनका टावर भी देखा होगा बैंक ऑफ चाइना, तो उस पर भी बीम सी लगी हुई है ये एक टाइप की, तो उससे आप रिमेंबर रख सकते हो इसको कि होंगकोंग में यूज़ होता है बीम प्लस सर्टिफिकेशन। देन होता है वेल, डबल ई डबल एल, डब्ल्यू ई डबल एल या फिट वेल, तो ये सर्टिफिकेशन हमारा दे रखा है आई डब्ल्यू बी आई वालों ने, इंटरनेशनल वेल बिल्डिंग इंस्टीट्यूट। तो वेल और फिट वेल ये अभी अभी नए किसी पेपर में आए थे इसलिए मैंने इनको इसमें डाला है, वेल एंड फिट वेल, आई डब्ल्यू बी आई इंटरनेशनल वेल बिल्डिंग इंस्टीट्यूट। तो कभी एग्जाम में आ जाए तो वेल से याद रखना कि इंटरनेशनल वेल आएगा। देन हमारा कनाडा, कनाडा में यूज़ होता है ग्रीन ग्लोब्स, तो ग्रीन के नाम पे हमारे पास तीन है, ग्रीन स्टार ग्रीन मार्क एंड ग्रीन ग्लोब जिसका कनाडा में। देन लास्ट इज एसबी टूल्स, एसबी टूल हमने पढ़ा था कि लगभग अराउंड 25 कंट्रीज यूज़ करती हैं इस रेटिंग सिस्टम को। सो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमने देख लिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्रीन सबसे ओल्डेस्ट है एंड यूज होता है एज अ रेटिंग सिस्टम फॉर सस्टेनेबल बिल्डिंग इन यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज एज पर द दिल्ली मास्टर प्लान 1962 स्टैंडर्ड्स फॉर अ रेजिडेंशियल प्लानिंग एरिया हैविंग 15,000 पॉपुलेशन शुड हैव 10 प्री प्राइमरी स्कूल्स विद एन एरिया varying from dash according to the population density varying from dash. So according to 1962 master plan, Delhi master plan, residential area में जिसकी population 15,000 के आसपास है उसमें 10 प्री प्राइमरी स्कूल्स होने चाहिए
और जिसका एरिया वैरी करता है डैश, और पॉपुलेशन डेंसिटी वैरी करनी चाहिए डैश। सो 1962 का मास्टर प्लान है, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट कि 0.2575 एकड़ से एकड़ का हमारा स्कूल होना चाहिए, प्री प्राइमरी स्कूल, एंड 250% डेंसिटी होनी चाहिए उस पॉपुलेशन की पर एकड़। ये था 1962 के अकॉर्डिंग। और 2041 के अकॉर्डिंग अगर हम MPD देखें तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्राइमरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एरिया है वो 0.2 हेक्टेयर है, एंड इसमें 0.4 हेक्टेयर है। दिस इज़ फॉर प्राइमरी स्कूल एंड दिस इज़ फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो उन्होंने हेक्टेयर में बात करी है, एकड़ में बात करना ये काफ़ी बंद पहले हो चुका है। MPD में हेक्टेयर में बात हो रही है। और URDPFI में हमने जो पढ़ा था उसकी अलग थी कि उसमें हर उसके लिए अलग कितनी पॉपुलेशन पे कितना होना चाहिए, वो URDPFI की थी, ये MPD के लिए। सो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, MPD 2041 में ही हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो 12th का ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। द लाइफ साइकिल कॉस्ट LCC ऑफ अ ग्रीन बिल्डिंग इज डैश दैट ऑफ अ कन्वेंशन बिल्डिंग, मच हायर, सेम, लोअर देन, एक्सट्रीमली हायर। सो लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ अ ग्रीन बिल्डिंग कन्वेंशन बिल्डिंग से कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। सो LCC लाइफ साइकिल कॉस्ट, लाइफ साइकिल कॉस्ट सेम वही कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनिंग एंड ऑपरेटिंग। सो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ द एनी बिल्डिंग और एनी प्रोडक्ट ओवर द एंटायर लाइफ साइकिल, दैट इज नोन एज लाइफ साइकिल कॉस्ट, कि पूरी बिल्डिंग को मैनेज करने में और बनाने में और उसको ऑपरेट करने में कितना खर्चा आएगा टिल द लाइफ साइकिल और टिल इट्स डिस्पोजल, तो उसको कहते हैं लाइफ साइकिल कॉस्ट। एंड कन्वेंशनल बिल्डिंग क्या होगी, कन्वेंशनल बिल्डिंग मीन्स जो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनी हो। एंड कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन क्या होगी, कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन इज बेसिकली मेथड ऑफ ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन, कि जो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन आजकल चल रही है, जो पहले चल रही थी ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन या जो भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही है, दैट इज कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन, जिसमें कुछ भी इनोवेशन नहीं हो रहा है। सो एज वी नो कि ग्रीन बिल्डिंग्स जो डिज़ाइन की जाती है मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड मोर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, मोर एफिशिएंट होती है और मोर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होती हैं, सो विच लीड्स टू ऑब्वियसली लेस ऑपरेशन कॉस्ट। उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ी सी महंगी होती है बट बाद में ऑपरेशन कॉस्ट उनकी कम होती है। सो लाइफ साइकिल अगर हम देखे जाए, मतलब ओवरऑल कॉस्ट देखी जाए, तो लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ अ ग्रीन बिल्डिंग इज लोअर देन द कन्वेंशनल बिल्डिंग, सो मच हाइयर। सो हाइयर के वैसे दो हो गए तो इसी से क्लियर हो जाना चाहिए, वैसे हाइयर सेम हो नहीं सकता। ऑप्शन 3 इज करेक्ट कि लोअर देन द कन्वेंशनल बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 14 इज बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर प्लेस्ड डोम्स ऑन डैश प्लान्स व्हाइल रोमन्स प्लेस्ड डोम्स ऑन डैश प्लान्स। सो बाइजेंटाइन वाले डोम किस पे रखते थे, किस प्लान पे, और रोमन वाले किस प्लान पे रखते थे, स्क्वायर, पॉलीगन, सर्कुलर, सर्कुलर स्क्वायर, ट्रायंगुलर सर्कुलर, स्क्वायर ट्रायंगुलर। तो ये हमने हिस्ट्री वाले में काफ़ी डिटेल में पढ़े गए, और ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बाइजेंटाइन वाले और रोम वाले किस पे रखते थे, बाइजेंटाइन हमने याद रखा था कि बज रही थी लोगों की, काफ़ी मुश्किल होता था क्योंकि डोम को रखना होता था उन्हें स्क्विंचिस एंड पेंडेंटिव से, तो हमने इससे रखा था, याद रखा था कि स्क्विंचिस और पेंडेंटिव पे उन्हें डोम को प्लेस करना था, और इसलिए हमने रखा था ये किसमें रहता है, बाइजेंटाइन में। बाइजेंटाइन को हमने कैसे याद रखा था कि बज रही थी लोगों की, परेशान हो चुके थे कि डोम को कैसे प्लेस करें स्क्विंचिस और पेंडेंटिव पे। सो स्क्विंचिस और पेंडेंटिव एलिमेंट्स यूज इन कंस्ट्रक्शन फॉर डोम्स, स्क्विंचिस होते हैं हमारे स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर बेस पे जब रखना होता है, स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर बेस पे जब रखते हैं, और पेंडेंटिव्स होते हैं हमारे जब आप उसको ट्राइंगुलर सेगमेंट जब बनता है उसको कहते हैं पेंडेंटिव, जो ट्रायंगुलर सेगमेंट बनता है ट्रायंगुलर शेप्ड एलिमेंट उसको कहते हैं पेंडेंटिव्स। इसका एग्जांपल आप हैगिया सोफिया में भी देख सकते हैं, आप पिक में रिलेट कर लेना, ये डिटेल में हमने हिस्ट्री में पढ़ रखा है। तो इनकी बज क्यों रही थी, क्योंकि पहले जो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन मेथड था रोम वो डोम को प्लेस करने का, वो ऑफकोर्स सर्कुलर होता था, जैसे आप रोम का पैंथियन देखेंगे तो रोम का पैंथियन आपका सर्कुलर बेस, नीचे सर्कुलर है, जो ये डोम है ये सर्कुलर पे ही प्लेस है, तो इसका प्लान सर्कुलर और सर्कुलर प्लान पे ये हमारा डोम है। बाइजेंटाइन वालों की बजी क्योंकि उन्हें प्लेस करना पड़ गया स्क्वायर पे, रेक्टेंगुलर पे, और ट्रायंगुलर सेगमेंट यानी कि पेंडेंटिव भी यूज़ करनी पड़ गई, तो बजी क्या, उन्होंने ये इनोवेशन किया।
सो बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर प्लेस्ड स्क्वेयर और पॉलीगन पे रखते थे, उससे पहले स्क्वेयर और पॉलीगन पे रखा नहीं गया था प्लान, एंड रोमन्स प्लेस ऑन सर्कुलर पिक में आप रिलेट कर लेना कि स्क्वेयर पे और पॉलीगन पे कैसे रखते हैं, और अभी हमने इसका एग्जांपल ये गोल गुंबज भी इससे पहले पढ़ा ही था। सो 14 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। ट्रायंगुलर पे तो अभी तक किसी ने नहीं रखा, स्क्वेयर पे रखते हैं लेकिन इसमें ट्रायंगुलर रोमन वाले ट्रायंगुलर पे नहीं रखते, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द कोलोजियम ऑफ अ रोम इज सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ इस साइज एंड प्रोक्सिमिटी टू द कोलोजल स्टैचू ऑफ एम्परर हुम। किस एम्परर के स्टैचू से रिलेट करता है हमारा कोलोजियल ऑफ रोम? ऑप्शन आर ये नीरो, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नीरो। कोलोजियम ऑफ रोम है विच इज एन एम्फीथिएटर और इलिप्टिकल शेप में है, पूरा सर्कुलर भी नहीं है। अगर हम इसका प्लान देखें तो कुछ इस टाइप का है, 189 मीटर लेंथ है इसकी एंड 159 मीटर विड्थ मान लीजिए, तब ये इलिप्टिकल शेप बनता है, और इसकी हाइट है 50 मीटर एंड इसमें स्पेक्टेटर्स आ जाते हैं 80,000, तो उस वक्त काफ़ी बड़ा था ये, 80,000 स्पेक्टेटर्स इसमें आ जाते थे। सो कोलोजियल ऑफ रोम रोम में है, इटली में। सो ये इससे कैसे रिलेट कर रहा है? तो जो कोलोजियल स्टैचू ऑफ एम्परर ऑफ नीरो, ये जो भी हमारा एम्फीथिएटर का प्लान है, इसके यहाँ पे एक बेस था जिस पे एजम्पशन लगाई जाती है कि यहाँ पे कोलोजियल स्टैचू ऑफ एम्परर ऑफ नीरो था। कोलोजियल मीन्स क्या हो गया? कोलोजियल मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज, तो काफ़ी बड़ा स्टैचू था एम्परर नीरो का यहाँ पे पहले, तो बट अब इसको मूव कर दिया गया है। ठीक है, आप पिक में रिलेट कर लेना, ब्रॉन्ज कलर का स्टैचू था जिसे अब मूव कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन वहीं से उठ के आया कि कोलोजियल ऑफ रोम रिलेट करता है हमारा कोलोजियल स्टैचू ऑफ एम्परर ऑफ नीरो, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज, नीति आयोग अपॉन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डिजाइंड अ मॉडल कंसेशन फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स MMLPs मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स थ्रू PPP इन व्यू ऑफ द डिपार्टमेंट्स अपकमिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स पॉलिसी। द मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट प्रपोजिज ग्रांट ऑफ कंसेशन थ्रू। सो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की रिक्वेस्ट पे नीति आयोग जो ये सारी पॉलिसीज निकालती हैं, उन्होंने एक मॉडल डिज़ाइन किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLPs थ्रू PPP मॉडल, जो हमने पढ़े थे इसके सारे मेथड्स। तो उन्होंने पूछा इनमें से इस PPP में से कौन सा मॉडल उन्होंने प्रपोज किया है और ग्रांट किया है जिसके थ्रू ये सब कुछ काम होंगे। ऑप्शंस आर बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड ऑन ऑपरेट बाय बिल्ड ऑपरेट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज MMLPs, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। तो मल्टी मॉडल क्या हो गया? मल्टी मॉडल मींस डिफरेंट मोड्स, जो हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़े थे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें आपका ट्रेन भी आ सकती है, हाईवेज, बस या फ्लाइट सिस्टम, तो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे बात हो रही है, दैट इज मल्टी मॉडल। एंड नाउ व्हाट इज लॉजिस्टिक पार्क्स? लॉजिस्टिक बेसिकली इम्प्लाइज प्लानिंग ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन किसके बीच में? बिटवीन पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट टू कंजम्पशन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन हुआ किसी भी फैक्ट्री में, कम की मैन्युफैक्चरिंग हुई, अब उसको ले जाना है हमें कंजम्पशन तक, कस्टमर तक, तो उसके बीच में जो एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन और उसकी स्टोरेज की जरूरत होगी उसको कहते हैं लॉजिस्टिक पॉलिसीज। ये उसके लिए क्या हुआ, एक हाईवे बनाया जाएगा, देन यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुआ होगा उसको ले जाने में मान लीजिए ओरिजिन से कस्टमर तक ले जाने के लिए कम से कम 5 दिन लगते हैं, तो उस 5 दिन में उस प्रोडक्ट को हम जिस हाईवे के थ्रू लेके जाएंगे, देन उन 5 दिनों में उनकी सेफ्टी, देन उनको क्या टेम्परेचर चाहिए, किस टेम्परेचर में वो कैरी ऑन करेंगे, ख़राब ना हो जाए, ये सब कुछ, उन सबको डील करने के लिए ये लॉजिस्टिक पॉलिसीज निकाली गई हैं। तो बीच में जैसे वेयर हाउस बनानी पड़ेंगे कई बार ताकि उन्हें स्टोर भी किया जा सके, तो ये कहलाती है हमारी लॉजिस्टिक पॉलिसीज, एंड पूरी स्कीम कहलाती है लॉजिस्टिक पार्क स्कीम। ये लॉजिस्टिक वर्ड आया हमारा, मिलिट्री वर्ड है, विच रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, तो उसमें उनके जो
इक्विपमेंट्स या ट्रेलर या गन्स, ये सब कुछ मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो वो लॉजिस्टिक वर्ड यूज़ करते हैं और वहीं से निकल के आए लॉजिस्टिक पार्क्स। तो मल्टी मॉडल आप समझ गए, मतलब इन सबको किस वे के थ्रू लेके जा रहे हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन मल्टी मॉडल्स हो गई, और उस पूरी स्कीम को कहते हैं लॉजिस्टिक पार्क। तो ये पूरा बन गया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्कीम, जैसे आपने सुने भी होंगे अदानी लॉजिस्टिक पार्क्स। सो अब बात करते हैं MLP इन इंडिया। सो अंडर NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों के अंडर टू इम्प्रूव द कंट्री फ्राइट लॉजिस्टिक सेक्टर। इसको इम्प्रूव करने के लिए ये MMLP पॉलिसी लाई गई है, क्योंकि जो बाकी देशों में लॉजिस्टिक कॉस्ट लगती है वो अराउंड 8 to 10% लगती है, लेकिन इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट लगाती है, ये ट्रांसपोर्टेशन का पूरा कॉस्ट, वो 13 to 15% लगाती है अपने प्रोडक्ट्स पे। तो इसको कम करने के लिए तीनों गवर्नमेंट्स ने मिलकर एंड मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर MMLP सेक्टर पे फोकस किया है, एंड उन्होंने 35 MMLP डेवलप करने का प्रोविज़न और प्लान किया है। सो 35 में से जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं या कुछ आपको याद रहेंगे, दैट इज़ सबसे पहले दिल्ली NCR में एक MLP बन रहा है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो अम्बाला एंड हिसार में MLP प्लान किया गया है। देन राजस्थान में आपका जयपुर और कोटा में MLP की प्लानिंग हो रखी है, राजस्थान में वहाँ डेवलपमेंट चल रही है MLP के लिए। तो ये MLP जो गवर्नमेंट ने प्रपोज की है, 35 MLP, ये PPP की कौन सी पॉलिसी के अंडर बनवाए जा रहे हैं? तो वो है हमारी BOT, यानी कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, या फिर है DBFOT, डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इन तीनों में सबसे मेन इशू क्या है, बाकी जो तीन ऑप्शन है उसमें ओन है या फिर बाय है। तो गवर्नमेंट कभी भी मतलब बिल्ड का ऑप्शन देगी, लेकिन उनको प्राइवेट सेक्टर को उसकी ओनरशिप नहीं देगी, चाहे बाद में ट्रांसफर आ रहा है लेकिन ओनरशिप देती नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो डिज़ाइन एंड बिल्ड बेसिस पे ही चल रहे हैं, कि डिज़ाइन करो देन बिल्ड करो और उसके बाद रिटर्न कर दो, या कुछ साल के लिए लीज पे दे देती है, जैसे टोल टैक्स हमारे लीज पे दे देती है। बट ये जो MMLPs डेवलप किए जा रहे हैं, ये बिल्ड ऑपरेट करो आप कुछ टाइम के लिए, अपना जो भी आपकी चार्जेस हैं वो आप कुछ 5 साल 10 साल के लिए लीज पे लीजिए और उसके बाद ट्रांसफर कर दीजिए। ओनर या ओन कभी भी नहीं करते या बाय भी नहीं करते कि प्राइवेट उसको खरीद ले उसके बाद बिल्ड करे फिर डेवलप करे। तो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, या फिर डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इन दोनों पॉलिसी पे गवर्नमेंट के ये MMLPs डेवलप किए जा रहे हैं। तो 16 का ऑप्शन 4th इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज द मिनिमम विड्थ ऑफ पेडेस्ट्रियन जोन इन अ कमर्शियल एरिया इन इंडिया इज। कमर्शियल एरिया में बेसिकली दे हैव आस्क अबाउट कमर्शियल एरिया में पेडेस्ट्रियन जोन कितना होगा, 2.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 1.5 मीटर। सो URDPFI गाइडलाइंस में अगर हम पढ़ेंगे चैप्टर अर्बन रोड्स, और उसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम डिज़ाइन कंसिड्रेशंस, तो अर्बन रोड्स डिज़ाइन कंसिड्रेशन वाली सेक्शंस में, उसमें हमें ये पॉइंट मिलेगा कि मिनिमम विड्थ ऑफ पेडेस्ट्रियन कितनी चाहिए हर जोन्स के लिए। तो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट और क्या, हाउ मेनी लेन्स इन रोड, लेन्स इन अर्बन रोड, इसके आने के चांसेस हो सकते हैं, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, 2 मिनट में याद हो जाएगा। सो अर्बन एक्सप्रेस वे, इन सब की विर्थ हमने एक CPWD में पढ़ ली थी, अर्बन एक्सप्रेस वे, आर्टीरियल, देन इसके बाद आता है हमारा सब आर्टीरियल, कोलेक्टर रोड, देन लास्ट में जो बचता है हमारा एक्सेस रोड या लोकल स्ट्रीट। सो अर्बन एक्सप्रेस वे के लिए है मिनिमम 6 लेन्स CPWD वाली टेस्ट सीरीज में, कि मिनिमम विड्थ कितनी चाहिए होती है। यहाँ पे लेन्स की बात करें तो मिनिमम 6 लेन्स चाहिए होती हैं अर्बन एक्सप्रेस वे में, एंड उनके बीच में एक डिवाइड होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मीडियन, वो अलग है इन लेन्स के अलावा, ठीक है। तो मिनिमम 3 लेन्स इधर, देन एक डिवाइडर, 3 लेन्स इधर, तो 6 लेन्स हो गई। आर्टीरियल में होता है कि मिनिमम 4 लेन्स चाहिए, सब आर्टीरियल में होता है मैक्सिमम आपकी 4 लेन्स चाहिए, और लोकल और कलेक्टर स्ट्रीट इसमें होता है कि 1 से 2 लेन्स हो जाए तो बस चल जाएगा आपका काम, एक लेन में भी, क्योंकि यूनि डायरेक्शन चल जाती है और बाई डायरेक्शन भी चल जाती है लोकल स्ट्रीट्स। तो सो इसलिए 1 से 2 लेन चाहिए सिर्फ हमें लोकल और एक्सेस स्ट्रीट में। देन अर्बन एक्सप्रेस वे और आर्टीरियल रोड में इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड कि उनमें बस लेन्स भी होने चाहिए, बाकियों में कंपलसरी नहीं है, सिर्फ इन दो में कंपलसरी है कि बस लेन होनी चाहिए पहले दो में। सो अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे जिसके बेस पे क्वेश्चन आया, नेक्स्ट सेक्शन उसमें था कि कैपेसिटी ऑफ फुटपाथ।
कैपेसिटी ऑफ फूड पार्ट में सबसे पहले आता है हमारा रेसिडेंशियल प्लस मिक्स यूज, देन कमर्शियल, देन आता है वो रोड्स जिनमें शॉपिंग फ्रंटेज है, स्टिल कई सारी शॉप्स हैं और मिक्स यूज में सिर्फ एक दो शॉप्स होती हैं, ऐसी रोड जिसमें शॉप ही शॉप है, देन बस स्टॉप्स, उस रोड जिस रोड पर बस स्टॉप है वहाँ पर कितने बड़ा फुटपाथ चाहिए, देन लास्ट इज हाई इंटेंसिटी कमर्शियल्स, जिन जोन्स में कमर्शियल है बट उनकी हाई इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा चलने वाले कमर्शियल्स हैं, बहुत ज़्यादा ही उनका वहाँ पे उस एरिया में कमर्शियल ही कमर्शियल है, तो वहाँ पे क्या फुटपाथ की विड्थ चाहिए। तो रेजिडेंशियल एंड मिक्स यूज़ में 1.8 मीटर फुटपाथ की विड्थ चाहिए, जो 1800 हम डालते हैं 1.8 मीटर होती है, कमर्शियल में चाहिए 2.5 मीटर, सॉरी कमर्शियल एरिया में पेडेस्ट्रियन जोन कितना चाहिए, दैट इज 2.5 मीटर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। शॉपिंग फ्रंटेज जिनमें नीचे ही शॉप्स हैं और उनका फ्रंट रोड पे ही है, दैट इज 3.5 टू 4.5 मीटर, जो रोड के थ्रू ही एक्सेस की जा रही है उन शॉप्स की बात की जा रही है। देन बस स्टॉप के लिए 3 मीटर चाहिए होता है, आपने दिल्ली में देखे भी होंगे जो, तो दैट शुड बी 3 मीटर। देन हाई इंटेंसिटी कमर्शियल जोन में 4 मीटर, सबसे ज़्यादा जो पेडेस्ट्रियन की विड्थ की जरूरत पड़ती है वो होती है हमारी शॉपिंग फ्रंटेज में 4.5 मीटर तक, उसके बाद हाई इंटेंसिटी कमर्शियल 4 मीटर, कमर्शियल में हमने देख लिया 2.5 मीटर और बस स्टॉप के लिए 3 मीटर की जरूरत पड़ती है। पीछे यूजली 600 से 750 छोड़ देते हैं, 1.5 फुट के आसपास, ये हमारा हो गया 2 फुट के आसपास की बैठने की जगह, तो पीछे भी 600, ये भी 600, 1200 हो गए ये, देन बचा हमारे पास 1800, तो सीटिंग के आगे हमारे पास 1800 से 1500 का एरिया बच जाना चाहिए, ताकि जहाँ पे बंदे खड़े भी रहें और यहाँ बैठ भी सकें, बस के लिए वेट भी कर सकें। सो बस स्टॉप में 3 मीटर के लिए चाहिए, सो हमारा आंसर 2.5 मीटर इज करेक्ट, कि कमर्शियल जोन में 2.5 मीटर चाहिए, 1.5 मीटर कहीं भी इस 1.8 मीटर से कहीं नहीं है, रेजिडेंशियल में भी 1.8 मिनिमम चाहिए, 1.5 तो वैसे ही हट जाता है। 3 मीटर हमारा आ गया बस स्टॉप के लिए, ओके 2 मीटर भी कहीं नहीं है, 1.8 मीटर रेजिडेंशियल के लिए। अब इसके बाद एक टॉपिक और मैंने देखा था, साइकिल जोन्स, ये साइकिल लेन्स कितनी देनी होती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हर अर्बन एरियाज में साइकिल लेन्स प्रोवाइड की जा रही है। सो साइकिल लेन सिंपल है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आर्टीरियल प्लस सब आर्टीरियल, क्योंकि एक्सप्रेस वे में तो आप दोगे नहीं साइकिल लेन, आर्टीरियल प्लस सब आर्टीरियल में जो विड्थ चाहिए साइकिल लेन्स के लिए, दैट इज 2.5 मीटर से 5 मीटर, और कलेक्टर में विड्थ चाहिए 1.5 मीटर टू 2.5 मीटर, आर्टीरियल प्लस सब आर्टीरियल, इन दो में साइकिल लेन जाएगी, अर्बन एक्सप्रेस वे में साइकिल लेन नहीं जाएगी। आर्टीरियल में कितना है, 2.5 से 5, और इसमें 1.5 से 2.5, ठीक है, तो 1.5 से 2.5 फिर 2.5 से 5, तो ये इन दोनों में साइकिल लेन्स चाहिए। लोकल और कलेक्टर स्ट्रीट पे भी साइकिल लेन्स नहीं चाहिए, उसमें मिक्स हो जाता है सब कुछ, तो याद रहेगा 1.5 से 5, 1.5 से 2.5, देन 2.5 से 5, ओके, तो 17 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 इज अ टेक्निक कॉमनली यूज फॉर ट्यूब वेल डेवलपमेंट बाय कंप्रेस्ड एयर इज, तो ट्यूब वेल डेवलपमेंट के केस में कंप्रेस्ड एयर कहाँ यूज होती है, किस टेक्निक में यूज होती है, सो ऑप्शन आर बैक वॉशिंग टेक्निक, सर्जिंग टेक्निक, पंपिंग टेक्निक एंड जेटिंग टेक्निक। सो सबसे पहले देखते हैं वट इज ट्यूब वेल डेवलपमेंट। ट्यूब वेल डेवलपमेंट बेसिकली, ट्यूब वेल क्या होता है, ट्यूब वेल जो खेतों में लगाए जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में पानी के लिए, जो बड़े लेवल पे लगाए जाते हैं, और ट्यूब वेल या बोरिंग अलाउ भी अब खेतों में ही है विलेजेस में, सो दैट इज नॉन एज ट्यूब वेल। और ट्यूब वेल डेवलपमेंट क्या होगा कि उसकी डेवलपमेंट करना, मीन्स प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ ट्यूब वेल बाय रिमूविंग डेब्रिस और सेडिमेंट्स, दैट इज नॉन एज ट्यूब वेल डेवलपमेंट, कि जो भी उसमें पानी के निकलने में अड़चन आ रही है या जो भी फंस गया है उसको हटाना, और छेद धीरे धीरे बंद होते जाते हैं, काई जमते जाती है, उन सबको साफ करना, दैट इज नॉन एज ट्यूब वेल, उसकी डेवलपमेंट करना ट्यूब वेल डेवलपमेंट। एंड उसमें टेक्निक्स क्या क्या है हमारे पास, बैक वॉशिंग टेक्निक, सबसे पहले बैक वॉशिंग टेक्निक क्या होती है, बैक वॉशिंग टेक्निक ट्यूब वेल डेवलपमेंट में यूज होती है। मान लीजिए ये वाटर का फ्लो हमेशा आपका ऐसे जाता है मोटर के थ्रू, पानी का फ्लो इस तरह जा रहा है, तो कई बार क्या होता है कुछ यहाँ पे कुछ आयरन है या कुछ निकला हुआ है तो इस पर फंसता जाता है धीरे धीरे, ठीक है, और ये बड़ा होता जा रहा है जिससे ब्लॉकेज होने लग जाती है पानी में, पानी का फ्लो कम होता जाता है। तो बैक वॉशिंग टेक्निक क्या होती है कि हम पानी का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं, पानी का फ्लो नॉर्मली यहीं से जाता है कि फिल्टर होकर पानी यहाँ पीने के लिए यहाँ पे यूज होता है ड्रिंकिंग कंजम्पशन के लिए, हम क्या कहते हैं जिस पाइप से पानी यहाँ पे आ रहा है हम उल्टा कर देते हैं,
पाइप यहाँ पे लगा देते हैं, तो पानी का फ्लो 2 मिनट के लिए इधर कर देते हैं और आगे जिसको बंद कर देते हैं वॉल्व को, और इसको खोल देते हैं बैक वॉशिंग वॉल्व को। तो ये जो भी डेब्रिस वेब्रिस जम रहा होता है और ये प्रेशर के साथ आता है, नॉर्मली इसका जो प्रेशर होता है उससे यहाँ का प्रेशर ज़्यादा ही होता है, तो पानी जो ऐसे जा रहा होता है वो वापस उल्टे में आता है और ये अपने साथ ये सारी डेब्रिस सेडिमेंट्स जो जो जम रहा होता है ले जाता है और यहाँ से बैक वॉश हो जाता है और पानी निकल जाती है। बैक वॉशिंग हेल्प्स इन रिमूविंग द डेब्रिस एंड सेडिमेंट थ्रू दिस प्रोसेस रिवर्सिंग द बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ डायरेक्शन एंड इट ऑल फ्लशेस आउट द डेब्रिस। अपोजिट डायरेक्शन में पानी चेंज करते हैं तो दैट टेक्निक इज नोन एज बैक वॉशिंग टेक्निक। नेक्स्ट इज सर्जिंग। सर्जिंग टेक्निक में सिंपल सा होता है, मान लीजिए ये आपका एक वेल है और जब इस पर ठीक है या सेडिमेंट्स चिपक चुके हैं ताकि जो पानी बाहर है ग्राउंड वाटर में जिसकी वजह से ये पानी इसमें आ नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये सब कुछ स्काई वाई या समथिंग जम चुका है, इसको रिमूव करने के लिए सर्जिंग टेक्निक भी यूज़ की जाती है। इस सर्जिंग टेक्निक में क्या होता है, यहाँ पे खड़े होकर हम जेट पंप से पानी मार देते हैं इन सब के ऊपर, ठीक है, इन सब के ऊपर पानी मारते हैं, दैट इज नोन एज सर्जिंग टेक्निक, और ये सब कुछ गिर कर नीचे गिर जाता है, देन इसको रिमूव कर लेते हैं, दिस इज नोन एज सर्जिंग टेक्निक। पंपिंग टेक्निक एंड जेटिंग टेक्निक दोनों आर सेम, कि आप पंप लगा देते हो बाहर आउटसाइड, ये बोरवेल है और यहाँ पे आपने हाई लेवल का पंप लगा दिया, ठीक है, ताकि पानी तेजी से बाहर निकले और जो भी हो सब कुछ सक कर ले ये पंप या जेट जो भी है, तो ये सब कुछ सक कर ले। आपने देखा भी होगा जब ट्यूब वेल में जब हाई लेवल का पंप, यानी कि पहले तो नॉर्मल मोटर लगी होती है जो सबके पास होती है, जब जनरेटर मंगाया जाता है उस पंप के लिए, ट्रक में आती है वो जनरेटर और उसके थ्रू जब ये पंप इससे कनेक्ट किया जाता है, तो जब ये सक करती है तो इस सकिंग में बहुत सारी मिट्टी भी आती है, तो वो सब कुछ रिमूव कर रही होती है, मिट्टी वाला पानी या बहुत गलत बहुत गंदा पानी आता है, ताकि वो सब कुछ जो भी ब्लॉकेज व्लोकेज रखी है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा ये सकिंग करेगी और उतनी ज़्यादा हमारी डेब्रिस रिमूव होगी, तो दैट इज़ पंपिंग एंड जेटिंग टेक्निक। सो अब क्वेश्चन आता है, ट्यूबवेल डेवलपमेंट में कंप्रेस्ड एयर कहाँ यूज़ होती है, किस टेक्निक में यूज़ होती है, तो वो यूज़ होती है हमारी बैक वॉशिंग टेक्निक में। एक तो बैक वॉशिंग हो गई हमारी, ये उल्टा फ्लो ऑफ डायरेक्शन कर देते हैं। ट्यूबवेल में क्या होता है, और दिस इज आउटलेट। बैक वॉशिंग टेक्निक में क्या करते हैं, या तो वो ज़्यादा प्रेशर देते हैं, जब ट्यूबवेल हम बना भी रहे होते हैं ना, ट्यूबवेल इंस्टॉल करवा रहे होते हैं, तब भी इस बैक वॉशिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। ट्यूबवेल डालने के बाद हम साइड में थोड़ी सी जगह जो बचती है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम एक पंप या पाइप इंसर्ट कर देते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और उसके ऊपर से हम मिट्टी डालते जाते हैं ताकि ये बंद भी हो जाए। एक बड़ी मोटर वोइट उसको इसमें इंसर्ट कर देते हैं उसकी पाइप, और यहाँ से प्रेशर देते हैं बहुत ज़्यादा, जो ये कंप्रेस्ड एयर की बात हो रही है, ये यहाँ से डालते कंप्रेस्ड एयर और उसके ऊपर मिट्टी भी डालते जाते हैं, कंक्रीट डालते जाते हैं बेसिकली, जो उनके स्टैंडर्ड की जो मिट्टी या कंक्रीट वो डालते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, ठीक है, जिससे जितने भी ये छेद बंद हो रहे होते हैं वो सब खुल जाते हैं और ये सारी मिट्टी आपकी इसमें आ जाती है जो ये डाल भी रहे होते हैं, तो जितना नीचे तक खुलना होता है वो सब खुल जाता है, और ये वाला पंप तो पानी सक कर रहा होता है और ये सब कुछ सक करके बाहर फेंकता है, और ये वाला जो पानी आता है वो भी बहुत मिट्टी वाला आता है स्टार्टिंग में, एक लेवल के बाद फिर ये पानी एकदम साफ आने लग जाता है और जितने भी डेब्रिस या सेडिमेंट्स जमा हो रहे होते हैं या जो क्लोगिंग ब्लॉकिंग हो रही होती है वो सब खुल जाती है। सो दिस इज नोन एज बैक वॉशिंग टेक्निक विच इज़ यूजिंग कंप्रेस्ड एयर फॉर द ट्यूब वेल डेवलपमेंट। सो 18 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कि बैक वॉशिंग टेक्निक है जो कंप्रेस्ड एयर यूज़ करती है। बाकी टेक्निक भी है जो ट्यूबवेल डेवलपमेंट में यूज होती है, ये भी इसके सारे डेब्रिस रिमूव कर रही है और जेटिंग पंपिंग भी डेब्रिस रिमूव करते हैं एक लेवल तक, बट कंप्रेस्ड एयर का यूज सिर्फ बैक वॉशिंग टेक्निक करती है। सो 18 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज, एज पर DDA एक्ट, एनी पर्सन हु अंडरटेक्स और कैरीज आउट डेवलपमेंट ऑफ एनी लैंड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द मास्टर प्लान और जोनल प्लान डेवलपमेंट और विदाउट द परमिशन अप्रूवल और सेंक्शन रेफर्ड टू इन सेक्शन 12, तो सेक्शन 12 में ये सब कुछ लिखा हुआ है, शैल बी पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड्स अप टू डैश मंथ और फाइन विच में एक्सटेंड्स अप टू डैश 1000 रुपीज और विद बोथ। सो ऑप्शन आर 3 साल की जेल, 5000, 6, 10, 6, 5, 3, 10। सो DDA के सेक्शन 12 में, DDA एक्ट 1957, उनके सेक्शन 12 में क्या लिखा हुआ है ये हमने देख लिया कि सेक्शन 12 में लिखा हुआ है अप्रूवल और प्लान और ये समथिंग समथिंग। अब इसकी पेनल्टीज कि अगर उसका कॉन्ट्रावेंशन किया तो उसकी पेनल्टीज किस में लिखी हुई हैं, तो उसकी पेनल्टीज लिखी हुई हैं सेक्शन 29 में,
और इस सेक्शन की नाम है पेनल्टीज। सो इसका फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट पॉइंट के दो डिवीज़न है, ए एंड बी। ए में लिखा हुआ है कि अगर आपने यही सब कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया और ये आप कर रहे हो डेवलपमेंट विच रिलेट्स टू सेलिंग, या तो आप बेच दोगे, और सेटिंग अप ऑफ कॉलोनी, अगर आप कॉलोनी के लेवल पे मतलब एक डीडीए का एक लैंड का एरिया लेकर विदाउट सेंक्शन और विदाउट अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान अगर आप डीडीए का एरिया लेकर उसको बना रहे हो आइदर सेलिंग या तो बेचने के पर्पज से या सेटिंग अप, आप वहाँ पे अपने आप कॉलोनीज कट कर रहे हो एंड विदाउट सेंक्शन अप्रूवल समथिंग, तो आप पे पेनल्टीज लगेंगी। तो आप पे पेनल्टीज क्या लगेंगी, दैट इज अकॉर्डिंग टू ए आप पे 3 years की इंप्रिजनमेंट है, 3 साल की जेल होगी आपको। देन सेकेंड में, फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है आपको 6 month की जेल या 5,000 rupees की पेनल्टी होगी अगर आपने वही सेक्शन 12 का अपोज किया, यानी कि विदाउट परमिशन और सेंक्शन के आपने बिल्डिंग बनाई, तो आप पे 6 महीने की जेल है या 5,000 rupees का जुर्माना है। तो इससे हमारा आंसर जाता है ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट, कि 6 महीने की जेल या 5,000 rupees का जुर्माना इफ़ वी अंडरटेक्स और कैरीज आउट एनी डेवलपमेंट ऑफ लैंड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द मास्टर प्लान विदाउट परमिशन अप्रूवल सेंक्शन, दैट इज रेफर्ड इन सेक्शन नंबर 12। देन आपको 6 महीने की जेल और 5,000 rupees का जुर्माना है। सो ये तो हो गया ये दो। देन सेकेंड इज इफ़ वी डिड द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 14, तो क्या है, तो हमारे पास 5,000 rupees का जुर्माना है प्लस इफ वी कीप कंटिन्यू ऑफेंस देन हमारे पास पर डे 250 rupees पर डे हम पे पेनल्टी एक्सटेंड होती रहेगी। सो 5,000 rupees का जुर्माना एक बार में लगेगा और इफ वी कीप कंटिन्यूइंग द ऑफेंस देन 250 rupees पर दिन। और किस आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ लैंड, कि आपने लैंड आफ्टर द सेंक्शन, बिफोर सेंक्शन तो ये इसमें आ गया, आफ्टर सेंक्शन कि आपने सेंक्शन कराया है रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, आप उसको यूज़ करियो कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो आर्टिकल 14 का कॉन्ट्रावेंशन होगा यूज़ ऑफ लैंड के रिलेटेड में और आपकी पेनल्टी लगेगी 5,000 rupees एक बारी में। और देन इफ़ यू कीप कंटिन्यू यूजिंग द कमर्शियल एरिया एज अ रेजिडेंशियल एरिया और वाइस वर्सा, तो देन पर दिन 250 rupees जुर्माना लगता जाएगा। देन लास्ट इज सेक्शन 29 में थर्ड पॉइंट है दैट इफ़ यू स्टॉप द एंट्रिंग ऑफ द ऑथराइज पर्सन टू अवर बिल्डिंग, अगर हमने उसकी एंट्री पे रोक लगाई और वो उसके पास लेटर है, मतलब ही शुड बी ऑथराइज्ड बाय द डीडीए और समथिंग, और हमने उसकी उसको रोका अपनी बिल्डिंग में एंट्री करने पर, देन 6 month की जेल एंड 1,000 rupees जुर्माना। तो यूजली आप देख सकते हो जेल हमेशा आधे साल की होती है, 6 महीने की होती है, और जुर्माना 5,000-1,000 rupees ऐसे ही लगता है। सो 10,000 का जुर्माना, 3 महीने की जेल या 3 महीने का, ये आपको ओबियस हो जाएगा कि 6 महीने की जेल और 5,000 rupees का जुर्माना। सो 19 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज 6 month की जेल हो जाएगी एंड 5,000 की अमाउंट की पेनल्टी लगेगी अगर हमने सेक्शन 12 का कॉन्ट्रावेंशन किया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज द यूनिट ऑफ पर कैपिटा सॉलिड वेस्ट जनरेशन रेट इज, सो सॉलिड वेस्ट जनरेशन का जो रेट है उसकी यूनिट क्या होगी इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा। ऑप्शंस आर क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर डे, किलोग्राम पर कैपिटा पर डे, स्क्वेयर फीट पर कैपिटा पर डे एंड लीटर्स पर कैपिटा पर डे। सो यू आर डी पी एफ आई में अगर हम पढ़ेंगे MSW की गाइडलाइंस, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की गाइडलाइंस जब हम पढ़ेंगे, सो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इंक्लूड रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल, रेसिडेंशियल और कमर्शियल का सॉलिड वेस्ट इंक्लूड होता है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में, और इसमें आपका सॉलिड प्लस सेमी सॉलिड दोनों वेस्ट इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसमें एक्सक्लूड होता है आपका इंडस्ट्रियल हैजार्डस वेस्ट, अगर रेजिडेंशियल जोन में इंडस्ट्री है तो उसका इंडस्ट्रियल का हैजार्डस वेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो वो एक्सक्लूड होता है, लेकिन इंक्लूड होता है इसमें इंडस्ट्री का ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट। सो अगर बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट कर दिया गया है तो उसके बाद उसको इंक्लूड कर सकते हैं हम, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट वाले ले जाएंगे उसको, अदरवाइज वो नहीं लेके जाते। सो ये हो गई इसकी गाइडलाइंस कि क्या क्या म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, देन रेसिडेंशियल कमर्शियल इंस्टीट्यूशनल प्लस स्ट्रीट स्वीपिंग की एक ही है तो इनको एक साथ याद कर लेते हैं, मतलब उसकी वैल्यू सेम है। सो रेसिडेंशियल में अगर हम देखें तो 0.3 किलोग्राम टू 0.6 किलोग्राम पर कैपिटा पर डे होती है, तो एक तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है कि पर किलोग्राम पर कैपिटा पर डे होती है हर जगह में, चाहे रेजिडेंशियल कमर्शियल इंस्टीट्यूशन हो, उसकी यूनिट यही रहती है कि किलोग्राम वेट के अकॉर्डिंग उसको मेजर किया जाता है, ना कि वॉल्यूम या एरिया या लीटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। सो 0.3 किलोग्राम टू 0.6 किलोग्राम रेजिडेंशियल में,
कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में सबसे ज़्यादा हम गंद मचाते हैं क्योंकि घरों से सबसे ज़्यादा गंद कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद कमर्शियल में सब स्टैंडर्ड हो जाते हैं, कम वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, दैट इज 0.1 to 0.2। सो 0.1 से 0.2, देन 0.3 से 0.6, देन स्ट्रीट जो गलियों में जो गंद मिलता है या उसकी सफाई होती है, इंस्टीट्यूशनल दैट इज 0.05 to 0.2। तो सबसे कम गंद हमारा या सबसे कम सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है हमारे गलियों से या स्कूलों से, देन कमर्शियल से यानी कि 0.05 से 0.2, और कमर्शियल में 0.1 से 0.2, और सबसे ज़्यादा जनरेट होता है हमारे रेजिडेंशियल से, 0.3 से स्टार्ट होता है, 0.3 किलोग्राम to 0.6 यानी कि आधा किलोग्राम पर कैपिटा, पर बंदे पे आधा किलोग्राम हमारा वेस्ट हम कंसिडर करके चलते हैं, 0.6 किलोग्राम। सो 20 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एंड ये उसकी वैल्यूज थी। कई बार ये भी गेट में आ चुके कि 0.3 या 0.6 किलोग्राम रेजिडेंशियल में कितना पर कैपिटा कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।